बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार सुंदर साजी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, तीन दिवसीय कार्यक्रम का ये आज अंतिम दिन का कार्यक्रम है और पिछले दो दिनों में जो बैनर में 10 प्रश्न लिखे गए हैं, इन प्रश्नों का हमने समाधान सुना। हमने ये जाना कि मनुष्य को धर्म की आवश्यकता क्यों है, धर्म का सच्चा स्वरूप कैसा होता है, देवी देवता भगवान और परमात्मा में क्या अंतर होता है, उस परमात्मा की हमने पहचान सुनी। आज का विषय यह है कि उसको पाने का मार्ग क्या है, परमात्मा कौन है उसकी पहचान हमने कर ली, अब उसको कैसे पाया जाए, उसको पाने का तरीका क्या है, मार्ग क्या है, उसके विषय में आज हम सुनेंगे। इस संसार में परमात्मा को पाने के अलग अलग तरीके अथवा अलग अलग मार्ग का वर्णन किया जाता है। कुछ लोग नवधा भक्ति की बात करते हैं कि नवधा भक्ति में परमात्मा के नाम का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, दास्य भाव से भक्ति करनी है, साख्य भाव से भक्ति करनी है, स्मरण करना है, आत्मनिवेदन करना है, उनके चरणों की सेवा करनी है। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। लेकिन जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो गीता में कृष्ण जी ने इस नवधा भक्ति से परे, नवधा भक्ति से ऊपर एक भक्ति बताई है। वो कहते हैं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्या तु अनन्य। हे अर्जुन, उस उत्तम पुरुष परमात्मा को अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है। अनन्य का मतलब क्या होता है कि जो स्थान हम परमात्मा को देते हैं वो जगह और किसी की ना हो। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता महिला होती है, वो सम्मान तो सबका करती है, घर में ससुर सास है, जेठ है, देवर है, ननंद है, देवरानी है, सबका सम्मान करती है, सबसे एक तरह के प्रेम का व्यवहार भी रखती है। लेकिन उसके लिए अपने पति का जो स्थान होता है वो और किसी के लिए नहीं होता है। उसी तरह से आत्मा को भी ऐसा चाहिए कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण हो, चाहे योगीराज शिव हो, चाहे विष्णु हो, या फिर गौतम बुद्ध हो, हनुमान हुए हो, इन सब का सम्मान करना, इनके गुणों का सम्मान करना, इनके चरित्रों का सम्मान करना, उन्होंने जो अच्छा रास्ता हमें दिखाया है उस रास्ते पर चलना, ये उनका सम्मान है। लेकिन जिस तरह से पतिव्रता स्त्री सबका सम्मान करते हुए भी पति का स्थान जो होता है उसके लिए अलग होता है, उसी तरह से हमें भी उन सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हुए, उस मर्यादा का पालन करते हुए, हमें एक परमात्मा जिसको हमने कल रात की चर्चा में भी सुना था, हम प्राणनाथ कहते हैं, प्राणेश्वर कहते हैं, पिया कहते हैं, प्रियतम कहते हैं, तो उस परमात्मा की प्रेम पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। नवधा भक्ति की तो बात की जाती है, मान लीजिए चाहे हम परमात्मा के नाम का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है उसमें तो
नौ प्रकार की भक्ति में आप कोई भी ले लीजिए, चाहे श्रवण कर रहे हैं, चाहे मनन कर रहे हैं, चाहे उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं, उनके नाम का हम बार बार जप कर रहे हैं, लेकिन अगर हृदय में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसका क्या लाभ है। अब सवाल अगला ये होता है कि फिर प्रेम कैसे आए। तो प्रेम कैसे आती है, कल रात की चर्चा में हमने महात्मा श्री सुधीर जी से सुना था कि प्रेम पहचान से आती है। बिना पहचान के तो किसी से प्रेम नहीं हो सकता। हम कहते ना, एक बोलचाल की भाषा में कहते, न जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। तो जिससे जान पहचान ही नहीं हुई है, उससे प्रेम कैसे हो। तो प्रेम आने के लिए सबसे पहले पहचान की आवश्यकता होती है, पहचान के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान का मतलब उसके बारे में जानना, उसके बाद ही दिल में प्रेम आता है। और प्रेम आने के बाद अगर हम किसी के नाम का स्मरण कर भी रहे तो प्रेम से स्मरण कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो फिर वो सब चीजें, वो सभी लक्षण, वो नौ प्रकार की भक्ति व्यर्थ जाती है। लेकिन अगर हृदय में प्रेम है तो बाकी चीजें अपने आप ही हो जाती है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं इस संसार में, तो किसी तीसरे व्यक्ति को आकर के ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसे याद कर ले। अगर किसी से प्रेम हो जाता है तो कोई आकर के हमें ये थोड़ी सिखाएगा कि तुम उसे याद कर लो, हम स्वयं याद करेंगे। और अगर समय नहीं मिलता है तो समय निकाल करके याद करेंगे। इस संसार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण लगभग सभी देखते हैं। अगर किसी लड़के को लड़की से प्रेम हो जाता है, अथवा दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है, घर का तो सभी काम करते ही हैं, लेकिन समय निकाल करके सभी लोगों से हट करके एकांत में जा करके एक दूसरे से बात करते हैं। उसी तरह से जब हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम आता है तो हम हर तरह से समय निकालते हैं और हम कोशिश करते हैं कि परमात्मा से बात हो, पहला। दूसरी बात, आपको पूछा जाए कि परमात्मा रहता कहां पर है, पाने का मार्ग तो बाद में जानेंगे, पहले हम इस विषय में जाने कि रहता कहाँ पर है। अगर ये पता चला कि कहाँ पर रहता है तो उसको पाना आसान हो जाएगा। अपने मूल स्वरूप से भले ही वो अपने दिव्य ब्रह्मपुर, जिसको हम परम धाम कहते हैं, वहां रहता हो, लेकिन गीता का कथन है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति। हम सबके हृदय में उस परमात्मा का वास है, इतना सब जानते हैं। इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि कोई ये कहे कि नहीं हृदय में परमात्मा का वास नहीं होता। अगर दिल में नहीं है तो फिर बाहर कहीं ढूंढने से वो नहीं मिलने वाला है, अगर हृदय में प्राप्त नहीं होता है तो। किसी साधु ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबा कैलाश में। बाहर वो कहीं मिलने वाला नहीं है, अगर मिलेगा, अगर वो मिलेगा तो हृदय में ही मिलेगा। लेकिन अब आज का जो प्रसंग चल रहा है, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, गांवों में कार्यक्रम हो रहा है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, एक बात देखने को मिलती है, उसमें समझने वाली बात ये है विशेष कि जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आता है, अगर कोई सामान्य अतिथि जिसका रोज आना जाना लगा रहता हो, उसको हम वैसे अतिथि नहीं कह सकते, क्योंकि अतिथि का मतलब तो होता है जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती हो। हम उसको वैसे बोलचाल की भाषा में, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं, हम उसको गेस्ट कहते हैं। जिसका रोज आना जाना लगा रहता हो, उसके लिए तो हम कोई विशेष तैयारी नहीं करते। लेकिन अगर किसी को हमारे घर में पहली बार आना है और वो व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर वीआईपी स्पेशल है, तो हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं पूरी, घर की साफ सफाई करते हैं। एक महिला थी,
वो प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी, परमात्मा को भोग लगाया करती थी, आरती किया करती थी, मंदिर की परिक्रमा किया करती थी। एक दिन उस गांव में एक महात्मा पहुंचे, साधु पहुंचे, तो उस महिला ने पूछा कि महात्मा जी, मैं तो बहुत सारा धार्मिक काम करती हूँ, रोज मंदिर आती हूँ, परिक्रमा लगाती हूँ, आरती करती हूँ, चंदन लगाती हूँ, प्रसाद लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज तो इसका उत्तर नहीं बता सकता, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और उसका उत्तर दूंगा। अब वो महिला सोच रही कि अच्छा, साधु मेरे घर में आने वाले हैं, तो उन्होंने खीर बनाई। साधु पहुंचे उस घर में और पहले कमंडल दे दिया। कमंडल लेकर के जैसे ही अंदर गई, उसने देखा कि कमंडल में तो कीचड़ लगाया हुआ है, तो उसने पहले साफ किया, साफ करके उसमें खीर डाला, उसके बाद लेकर के आई और महात्मा जी को समझाते हुए बोली कि महात्मा जी, कैसा कमंडल था, खीर डालना है तो कम से कम साफ तो रखना चाहिए। इतना कहते हुए उसने कमंडल दे दिया। महात्मा जी ने कमंडल लिया और जाने लगे। कोई उपदेश नहीं दिया, कोई शिक्षा नहीं दी, वो जाने लगे। तो उस महिला ने कहा कि महात्मा जी, आप तो मुझे ये बताने वाले थे कि परमात्मा को मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, बता तो दिया मैंने। महिला पूछते कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि देखो, एक खीर है, इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन उसको भी बर्तन में डालने के लिए जब तुम पहले बर्तन साफ कर रही हो, तो परमात्मा को जिस हृदय रूपी पात्र में रखना है तुम्हें, जिस हृदय रूपी घर में या हृदय रूपी सिंहासन में, जो कुछ भी आप कहें, आप वाणी गाते हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तो इस हृदय रूपी घर में समझ लीजिए, धाम समझिए, सिंहासन समझ लीजिए, तो वहां पर परमात्मा को अगर बैठाना है, तो उसको हमें साफ रखने की आवश्यकता है। अब हृदय की सफाई के लिए फिर दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमें करने पड़ते हैं हृदय साफ करने के लिए, क्योंकि जितना हम बाहर से अंदर की तरफ मुड़ते हैं, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते जाते हैं, तो स्थूल चीजों से जैसे जैसे सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे ही सफाई का तरीका भी बदल जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति। शरीर की शुद्धि कैसे होती है, पानी से। मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर् ज्ञानेन शुद्ध्यति। फिर कहते हैं कि हम जैसा अन्न खाते हैं, हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। कहते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अब कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि हमें पहले वाले जिस श्लोक का मैंने आपके सामने पाठ किया कि मन सत्य से शुद्ध होता है। मन की शुद्धि कैसे होती है, अगर हम ये चाहते हैं कि मन शुद्ध हो, तो सत्य का पालन करने की जरूरत है, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। विद्या और तप से जीव की शुद्धि होती है। विद्या का मतलब यहाँ पर ब्रह्म विद्या से है, ब्रह्मवाणी से है, और तप का मतलब क्या है, सत्य का पालन करना तप है, इंद्रियों का दमन करना तप है। अब कल की चर्चा में हमने संक्षेप में सुना था इंद्रियों का दमन, आज प्रसंग ऐसा चल रहा है, मुझे सुनने में आया कि यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे ऐसे सज्जन हैं, हो सकता है सुनने में उनको बुरा लगे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बस स्वयं समझ जाइए और स्वयं में सुधार करें तो आपका ये जीवन, ये लोक और परलोक सुधर जाएगा, मैं इस भाव से कह रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मदिरा पान करते हैं, मदिरा पान का मतलब शराब पीते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट लेता है, कोई हुक्का पीता है। देखिए, जिस चीज का रस हमारे अंदर जाएगा, उस रस से हमारी बुद्धि में वैसा ही असर पड़ता है।
आयुर्वेद का मतलब तो सबको पता है, आयुर्वेद के विषय में सब जानते हैं। संसार में जितनी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, चाहे वो एलोपैथ हो चाहे होम्योपैथ हो, उन सब का मूल आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद का क्या कथन है कि बुद्धि लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। मतलब क्या है कि जिससे बुद्धि का नाश होता है ऐसी वस्तु को मद कहा जाता है। हम बोलचाल की भाषा में नशा कहते हैं ना। नशा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नाश करने वाली है। किस चीज का? बुद्धि का। वो बुद्धि भ्रष्ट करने वाली है। अब लोग ये तर्क दिया करते हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने बुद्धि की क्षमता के हिसाब से ये तर्क दिया करते हैं। कोई भांग पीता है, गांजा पीता है, तो वो कहता है कि ये तो शिव जी का प्रसाद है, शिव जी ने भांग पिया था तो हम भांग पिया करते। अभी कुछ दिन पहले या शायद कुछ दिनों में आने वाली है शिवरात्रि, हाँ चली गई। तो शिवरात्रि में बहुत सारे ऐसे लोग थे भांग पीते थे, उनको मना करो या पूछो कि ये क्यों पीते हैं, तो कहते थे कि ये तो महादेव जी पिया करते थे इसलिए हम पीते हैं। महादेव जी का नाम बर्बाद करने की, बदनाम करने की जरूरत नहीं है। अगर महादेव जी के जैसा ही करना है तो हलाहल विष भी पिया था उन्होंने, तुम तो फिनाइल भी नहीं हजम कर सकते। तो महादेव जी के नाम पर गांजा और भांग पीना ये धर्म नहीं है। वो महादेव किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। वो जैसे नशा किया हुआ व्यक्ति, उसको बाहरी दुनिया की सुध नहीं रहती है ना, बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे कुछ उनको फर्क भी नहीं पड़ता। वैसे ही महादेव जी ध्यान के नशे में रहते हैं। 60,000 वर्षों की दिव्य समाधि वो लगाते हैं, तो इस कारण से उनको बाहरी दुनिया की कोई सुध नहीं रहती, तभी कहा जाता है कि महादेव जी नशे में है। वो भांग के नशे में रहने की उनको जरूरत ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, उनको शराब पीना होता है तो ये तर्क देते हैं कि शराब पीने में कोई पाप थोड़ी है, ये तो अंगूर का रस है, या फिर और किस चीज का बनता है, हाँ गन्ने का बनता है, गन्ने के सिरके का है किसी चीज का, तो वो कहते हैं कि ये तो फल के रस से बनता है, इसको पीने में कोई पाप थोड़ी है। किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि शराब पीना पाप है, लेकिन मना इसलिए किया जाता है क्योंकि शराब पीना तो पाप नहीं है, लेकिन शराब पीने के बाद मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जिससे वो पाप कर्म करने लगता है। शराब पाप नहीं है, शराब सभी पापों की जड़ है। नशा करना पाप नहीं है, लेकिन नशा करने के बाद मनुष्य अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रख पाता और हर प्रकार के पाप करने लगता है। जैसे किसी घर में शराबी व्यक्ति आता है, शराब पीते हुए तो वो पाप नहीं कर रहा है, लेकिन घर आ करके वो अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, पत्नी को वो प्रतिदिन दुख दे रहा है, उसके कारण उसके बच्चे दुखी हैं, उसके पड़ोसी अगर दुखी हैं, तो वो पाप है कि नहीं? शराब पीना तो पाप नहीं है, लेकिन किसी को दुख पहुंचाना तो पाप है। फिर आप जो जितने भी लोग शराब पीने वाले हैं, जब पैसा नहीं मिल पाता है तो फिर पत्नी के गहने बेच देते हैं या गिरवी रखते हैं, धीरे धीरे लोगों की जमीन बिक जाती है। अब उसकी वजह से परेशान होकर के बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिलती है कि पति के शराब पीने के व्यवहार से परेशान होकर के पत्नी आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। तो उसने तो आत्महत्या किया, लेकिन उसकी हत्या का पाप आपको लगा क्योंकि उसके पीछे कारण आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि नशा करने में पाप नहीं है, लेकिन नशा करने के बाद मनुष्य सारे पाप करने लगता है क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए आयुर्वेद ने कहा बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। अब नशा करने के बाद में उसको जब स्वयं की बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहेगा, हर प्रकार के पाप कर्म करेगा, तो सोचिए कि जैसे मैंने पहले आपको सवाल पूछा था कि आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को बुलाना होता है, कोई स्पेशल पर्सन को, VIP को बुलाना होता है, तो जब आप अपने घर की सफाई करते हैं तो जिस हृदय में परमात्मा को बैठाना है, अगर उसी हृदय में इतने प्रकार के पापों वाले विचार रहेंगे, विकार रहेंगे, तो वो परमात्मा इस हृदय में कैसे विराजमान हो सकता है?
तो जो प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग निजानंद ने आपको दिया है, निजानंद पद्धति में जिस प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग बताया जाता है, तो उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये वचन लिया जाता है। जितने भी लोग निजानंद में दीक्षित होते हैं, या कैसे आप समझे, या समझ लीजिए बोलचाल की भाषा में कहते हैं नाम लेते हैं, तो सबसे पहले ये प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है, ये शपथ लिया जाता है। उनको कहा जाता है पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ परदारा चोरी न कब। मतलब ये कि तंबाकू और उससे जन्य किसी भी प्रकार के वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। बीड़ी में, सिगरेट में, हर चीज में तंबाकू का प्रयोग हुआ रहता है जिसमें निकोटीन होता है। आज तो आप धार्मिक दृष्टि से भी देखें, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, इन चीजों को किसी भी हिसाब से जायज नहीं ठहराया जा सकता। धार्मिक दृष्टि से तो इन प्रकार के नशाओं का बिल्कुल परित्याग करने के लिए कहा जाता है। आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आपके शरीर को इसमें पाए जाने वाले निकोटीन है, कैफीन है, टेनिन है, ये सभी पदार्थ आपके शरीर को नुकसान देने वाले हैं। मांस मछली का जो सेवन है वो आपके शरीर को नुकसान देने वाले हैं। आज कल शाम को WHO ने एक रिपोर्ट प्रसारित किया था कि अब तक लगभग 1.5 लाख लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति शाकाहारी नहीं है। एक भी शाकाहारी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बीमारी से पीड़ित हो। जितने भी लोग हैं सभी मांस मछली का सेवन करने वाले हैं। तो आज का जो मुख्य प्रसंग चल रहा था कि उस परमात्मा को पाने का जो मार्ग है, तरीका है, मार्ग तो कहने में बिल्कुल आसान है प्रेम लक्षण भक्ति का, लेकिन इसमें मैं ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि प्रेम कहना तो सरल होता है लेकिन निभाना उतना ही कठिन होता है। कहने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड, लेकिन निभाने में कितना समय लगता है। किसी को ये कह देना कि हम तुमसे प्रेम करते हैं इतना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए तो कसौटी पर खरा सिद्ध उतरना पड़ता है। जैसे इस संसार में जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, हम उदाहरण सुनते हैं शशि पुनू का, हीर रांझा का, सोनी महिवाल का, लैला मजनू का, तो उन्होंने जैसे प्रेम करके दिखाया, आत्मा और परमात्मा का प्रेम तो उससे भी करोड़ों गुना अधिक है, उससे भी करोड़ों गुना पवित्र है। तो उस प्रेम को निभाने में मुश्किल भी उतनी ही आने वाली है, लेकिन अगर वह प्रेम हमारे हृदय में थोड़ा सा भी आ गया, उस परमात्मा के हृदय रूपी सागर में जो प्रेम है उसकी एक बूंद भी अगर हमारे दिल में आई, तो फिर हमारा ये जो जीवन है धन्य धन्य हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं नौधा भक्ति की बात कर रहा था, एक उदाहरण से हम समझते हैं उसको। एक तोता है, तोता को परमात्मा का नाम रटा दिया जाए, कुछ लोग राम कहें, कृष्ण कहें, राज कहें, कुछ भी कहें, कोई भी नाम उसको रटा दिया जाए, वह जीवन भर अगर परमात्मा का नाम रटेगा तो क्या तोता मुक्त हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि तोता को तो पता ही नहीं ना मैं किसका नाम ले रहा हूं, उसके हृदय में वो भाव ही नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे कोई भी कैसेट हम रिकॉर्ड करके चलाएं, जीवन भर चलता रहे, कैसेट में तो कोई चेतना नहीं है, चेतना नहीं है इस वजह से भाव नहीं है, तो उसकी मुक्ति नहीं होने वाली। बिना भाव के, बिना प्रेम के हम भी कितना भी नाम लेते रहे। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी के पास एक ट्रक ड्राइवर आया, उसने कहा महात्मा जी मुझे आप कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मेरा मन बाहर बहुत भटकता है, अंदर की तरफ लगने लग जाए, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मैं परमात्मा को पा सकूं। उन्होंने कहा ये माला ले लो और इस माला का तुम दिन में कम से कम 21 बार, नहीं तो हो सके तो 108 बार माला को फेरा करो, घुमाया करो हाथ में। उसने पूछा कितने दिन तक करना है, बोले अच्छा 1 हफ्ता करके देखो, फिर जो रिजल्ट आए मुझे बताना, फिर उसी हिसाब से आगे बताऊंगा तुम्हें। 1 हफ्ते के बाद ड्राइवर आया,
ड्राइवर ने कहा, महात्मा जी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा पहले था वैसा ही, मन तब भी विचलित था, आज भी विचलित हो रहा है, मन बहुत भटकता है बाहर, क्या करूं। महात्मा जी ने पूछा कि अच्छा कितनी बार घुमा रहे हो? बोले आपने तो 108 बार की बात की थी, मैंने तो उस माला को ट्रक के पहिए के साथ बांध दिया है, तो जितनी जोर से एक्सीलेटर दबाता हूं उतना ही ज्यादा घूमता है। तो बिना प्रेम के, बिना भाव के परमात्मा का नाम लेना, मैं जो नवधा भक्ति की बात कर रहा था, नवधा भक्ति में से कोई भी भक्ति आप समझिए, बिना प्रेम के अगर नवधा भक्ति में से कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं, वैसे ही जैसे कि ट्रक के पहिए में माला घुमाने से कोई लाभ नहीं। तो इसीलिए परमात्मा को जो पाने का मार्ग है वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। अब प्रेम किसका विषय है? शरीर का तो नहीं है ना, प्रेम कहां से उत्पन्न होता है? हृदय में है ना प्रेम। अगर हम कहें किसी को कि हम तुमसे प्रेम करते हैं तो कैसे कहेंगे? मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम, ऐसा कहते हैं? नहीं कहते ना, दिल में ही कहते हैं। अच्छा, किसी से हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो सिर नहीं टकराते, आपस में सिर तो नहीं टकराते ना, मित्रता होती है तो हम हाथ मिला लेते हैं, लेकिन जिससे बहुत अधिक प्रेम होता है उस प्रेम को प्रदर्शित करना होता है तो उसको हम गले से लगाते हैं। गले से लगाने का मतलब क्या है? हम लौकिक रूप से जो स्थूल हृदय है उस स्थूल हृदय को भी नजदीक से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये दिखाता है कि प्रेम जो है हृदय का विषय है, वैसे वहां पर स्थूल हृदय होता है। तो अगर उस हृदय में प्रेम है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक बहुत बड़े बर्तन में दूध रखा हुआ है, पूरा भर कर के दूध है ऊपर तक, लेकिन उसमें सिर्फ 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर मतलब समझ लीजिए एक ढक्कन जहर डाल दिया जाए, वैसे तो पूरा दूध ही दूध है, लेकिन सिर्फ 5 मिलीलीटर जहर डाल दिया जाए, कोई पीने को तैयार है? कोई भी पिएगा? और अगर कोई पीता है तो क्या बोलेंगे आप उसको? बेवकूफ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, यही बोलेंगे, और वो मर जाएगा, सीधी सी बात है। तो आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हो सकती है, मैं मानता हूं, परमात्मा के लिए थोड़ा सा प्रेम भी हो सकता है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन अगर हृदय में विकार है थोड़ी सी भी, तो इसका मतलब ये है कि दूध के भरे हुए बर्तन में थोड़ा सा जहर है। कहने का मतलब क्या है आप शायद समझ गए होंगे कि अच्छे गुण बहुत सारे हमारे अंदर हैं, लेकिन उनके होते हुए भी अगर हमें उस परमात्मा को अपने हृदय में बसाना है तो हमें अपने हृदय को पूरी तरह से निर्मल करना पड़ेगा। हम कहते हैं सेवा पूजा की चौपाई में कि निस्दिन ग्रही प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन, इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाही, भजन बिना सब नरक है, पची पची मारिए महीन। हम नरक की, नरक का मतलब ऐसा नहीं कि कोई, जैसे हम पुराणों में सुनते हैं कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कोई कढ़ाई है जिसमें खोलता हुआ तेल है, उसमें मनुष्य को डाला जाता है, ऐसा नहीं है। नरक का मतलब ये कि जिससे आपको दुख हो, पीड़ा हो। और नरक के 3 द्वार विशेष रूप से बताए, नरकस्य त्रिविधम द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्माद् एतद् त्रयम् त्यजेत्। 3 नरक के द्वार कौन कौन से बताए? काम, क्रोध और लोभ। अब ये तीनों जो नरक के द्वार कहे गए हैं वो आते कहां से हैं? तो गीता कहती है कामः एष क्रोधः एष रजोगुणाद् समुद्भव। काम और जो क्रोध है वो रजोगुण से शुरू होते हैं। अब रजोगुण की शुरुआत कहां से होती है? घुमा फिरा करके बात कहां पर आई? आहार से, है ना, अनुचित आहार विहार से। तो इसीलिए अगर हम परमात्मा को अपने दिल में बसाना चाहते हैं, यहां सब आए हुए हैं तो सब यही चाहते होंगे, सभी ये चाहते हैं कि हम परमात्मा को पाए, हमारे इस मनुष्य जीवन को सुधारें, हम धार्मिक कहलाएं, हम धार्मिक बने तभी यहाँ आए हैं। वैसे ही ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में लाइट नहीं थी, टीवी नहीं चल रही थी, इसलिए आए आ गए, ऐसा तो नहीं है।
सभी अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए एकमात्र उपाय, हमें एक एक सीढ़ी करके चढ़ना होगा। हमें अपने आहार की भी शुद्धि करनी होगी, हमें अपने विचारों की भी शुद्धि करनी होगी। तो पहली शुद्धि आहार की ही होगी। तभी कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्ध्वा सर्व ग्रंथिनां विप्रमोक्षः। अगर हमारी बुद्धि अच्छी होती है तो हर प्रकार के अंदर की जितनी भी विकार है वो सभी विकार समाप्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, धुल जाते हैं। और जैसे ही हृदय से विकार समाप्त हो गए तो फिर परमात्मा तो हमारे हृदय में पहले से ही है, बस विकार रूपी एक पर्दा लगा हुआ है उसके और हमारे बीच में। तो वो विकार समाप्त होगा और हम उस परमात्मा के स्वरूप का अपने आत्मा के हृदय में साक्षात्कार करेंगे और हम अपने मनुष्य जीवन को तभी धन्य और सफल बना सकेंगे। तो बस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का ये अंतिम मंच था। आगे तो भविष्य में कभी अवसर मिलेगा आपके ग्राम में आने का तो आगे चर्चा होगी, लेकिन मैं यही कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा कि हम अपने आहार को शुद्ध करें, जितने भी प्रकार के नशीले पदार्थ हैं उनका त्याग करें, मांस मछली के का जो सेवन है वो बंद करें। वैसे भी ये प्रकृति के खिलाफ है। आज सब लोग कह रहे हैं कि प्रकृति स्वयं की सफाई कर रही है, जितने भी बीमारियां फैल रही ना, आपने देखा होगा, आप इंटरनेट में सर्च करके देखिए, प्रत्येक 100 वर्ष में ऐसा अवसर आता है कि बहुत बड़ी महामारी आती है और लोग मर जाते हैं। पहले हैजा चला था 300 वर्ष पहले, उसके बाद फिर 200 वर्ष पहले प्लेग चला था, फिर 100 वर्ष पहले कोई और बीमारी चली थी और आज ये बीमारी चल रही है। तो अगर हम स्वयं से स्वयं की सफाई नहीं करेंगे तो प्रकृति की सफाई महंगी पड़ जाएगी। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखते हुए सभी लोग अपने मनुष्य तन को सफल बनाएं और अपने हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उसका साक्षात्कार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।